डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हर अब 200 की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले या इससे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोकसभा की रचना या संगठन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में सदस्य संख्या, कार्यकाल, पदाधिकारी, उनके निर्वाचन की पद्धति, ये सारी बातें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राज्यसभा के बारे में, यानी कि राज्यसभा की संरचना या संगठन, यानी कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राज्यसभा के अन्य क्या क्या नाम हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा के चार नाम हैं और लोकसभा के पांच नाम हैं। पहला नाम हो चुका है राज्यसभा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, राज्यसभा के चार नाम हैं। पहला लिख दिया मैंने राज्यसभा, दूसरा उच्च सदन, तीसरा है द्वितीय सदन और चौथा इसका नाम है स्थायी सदन। डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा को चार नामों से जाना जाता है। अक्सर काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। आपका आंसर होना चाहिए राज्यसभा को, यानी राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्वितीय सदन संसद के किस सदन को कहा जाता है, तो उसका आंसर भी राज्यसभा ही आएगा। और स्थायी सदन, संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है, तो वो आंसर भी आएगा राज्यसभा। तो अभी हमने चार नाम पढ़े हैं कि राज्यसभा के चार नाम हैं। तो कल हमने या पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लोकसभा के पांच नाम होते हैं, लोकसभा का एक एक्स्ट्रा नाम होता है लोकप्रिय सदन। क्यों कहते हैं लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, इसलिए उसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लेकिन इसके चार ही नाम हैं, उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। लोकसभा की चर्चा करें हम, लोकसभा को निम्न सदन कहेंगे, लोकसभा को यहाँ पर प्रथम सदन कहेंगे और लोकसभा को यहाँ पर अस्थायी सदन कहेंगे। और यहाँ पर राज्यसभा है, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है और स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भंग नहीं होता। कौन नहीं होता, राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसी वजह से राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अब कभी भी पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो आपको उसमें लिखना है स्थायी। आंसर आएगा स्थायी सदन। ये स्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है, इसका कार्यकाल लाइफ टाइम है, जिंदगी भर जब तक संसद रहेगी तब तक राज्यसभा रहेगी, इसका कार्यकाल स्थायी है। और अक्सर ये
बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है उसमें चार ऑप्शन दे देंगे, स्थायी सदन, 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें ध्यान रखना है राज्यसभा का कार्यकाल स्थायी होता है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिखूं, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन, राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और ऐसे विकेट दे दिया जाएगा। दोनों क्वेश्चनों में बहुत अंतर है। प्यारे विद्यार्थियों लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लोकसभा में आ रही है, लोकसभा कार्यकाल मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का कार्यकाल हो गया स्थायी और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो यहाँ पर उत्तर आएगा बी, यहाँ पर उत्तर आएगा बी यानी 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव, उनकी निर्वाचन पद्धति क्या है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ध्यान रहे लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। आगे हम और भी ज्यादा बारीकी से समझेंगे अच्छी तरह से। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यसभा का जो सदस्य संख्या, कार्यकाल, अधिवेशन कितना होता है, इसका वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु हम पढ़ेंगे राज्य सभा के अंदर, राज्य सभा, राज्य सभा की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, तो यहां पर इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये बच गया राज्यसभा की सदस्य संख्या। पिछले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि लोकसभा की सदस्य संख्या, इसमें हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम, अधिकतम अधिकतम है 250। अधिकतम कितने हैं? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। लोकसभा में हमने पढ़ा था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा जो कि संसद का द्वितीय सदन है, संसद का उच्च सदन है जिसको राज्यसभा कहा जाता है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछे तो आपको लिखनी है 250। और राज्यसभा की वर्तमान, प्रेजेंट टाइम के अंदर वर्तमान सदस्य संख्या वो है 245। कितनी है? 245। देखिए विद्यार्थियों ये 245 जो वर्तमान में सदस्य संख्या है इसको हम 233 प्लस 12 में बांट देंगे, 233 और 12 होते हैं
245, ये 200 सदस्य, ये 233 सदस्य, 200 नहीं 233 सदस्य, इनका निर्वाचन, इनका निर्वाचन राज्यों से होता है। कहाँ से होता है? राज्यों से। और राज्यों के अंदर जो विधानमंडल होते हैं, राज्यों में विधानमंडल होते हैं, जैसे देश के अंदर संसद होती है, संसद में दो सदन होते हैं, उसी तरह से राज्यों में संसद की जगह विधानमंडल होते हैं, लोकसभा की जगह विधानसभा होती है और राज्यसभा की जगह विधान परिषद होती है। यानी कि संसद के भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन 233 सदस्यों का चुनाव, इन 233 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों से होता है, अर्थात जितने भी भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का गठन किया गया है, वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो उस राज्य के लिए इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का। इट्स वेरी सिंपल, यानी कि 233 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं इनको, विधानसभा के सदस्य, जनता नहीं चुनती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप हो गया ये, वो आगे समझेंगे। और जो 12 सदस्य होते हैं राज्यसभा के अंदर, ये राष्ट्रपति द्वारा, कहाँ के राष्ट्रपति द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत की केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यसभा के अंदर वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है, इनमें से 233 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और जो ये 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। यानी कि अब हमारे सामने क्वेश्चन हो गया ये, और क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग, और दोनों क्वेश्चन हमें समान से ही लगते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन है लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह है राज्यसभा, और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अब उन दो के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति, वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, आम्ल भारतीय सदस्यों को, 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है, और यहाँ पर राज्यसभा में 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं। अब ये 12 कौन होते हैं, ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ऐसे तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 12 होने चाहिए। जो व्यक्ति कम हो गया, कोई भी व्यक्ति भारत का है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, तथा खेल
खेल के क्षेत्र में, तथा खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता हूं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, अनुभव रखता हूं। देखे विद्यार्थियों, 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ये उसके पास पावर होता है। ये 12 सीट, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति को दिए गए हैं। अब राष्ट्रपति इन 12 को नियुक्त करता है, तब किन व्यक्तियों को चुनता है? जो व्यक्ति या वो व्यक्ति जो कला, कला का अर्थ होता है आर्ट, आर्ट, आर्ट का अर्थ होता है कला, कला जैसे संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, इनमें विशेष अनुभव रखता हो, विशेष ख्याति रखता हो, विशेष प्रसिद्धि रखता हो, वो कहलाता है कला। तो कला के क्षेत्र में जो कोई व्यक्ति महारत रखता है, अनुभव रखता है, तो ऐसे सदस्य को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब जैसे मैं उदाहरण दूं, यहाँ पर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य है। क्या उसने चुनाव लड़ा? नहीं, क्योंकि वह कला के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखती है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जया बच्चन को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। साहित्य, साहित्य का मतलब कोई रचनाकार हो, कोई बहुत विशेष अनुभव रखने वाला लेखक हो, साहित्यकार हो, उपन्यासकार हो या गीतकार हो, वो व्यक्ति कहलाता है साहित्य के क्षेत्र में। विज्ञान, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसने खोज की हो, वो विज्ञान का क्षेत्र होता है। समाज सेवा, गरीब, दीन दुखी, लाचार व्यक्तियों की या पिछड़े वर्ग की या शोषित वर्ग की जो सेवा करता है, वो व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर कार्य करता है, उसको समाज सेवी कहा जाता है। तथा खेल, खेल चाहे कोई सा भी हो, क्रिकेट हो, शतरंज हो, बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, अगर ऐसे खेलों में कोई भी व्यक्ति विशेष अनुभव रखता है, तो इन इन क्षेत्रों के, यानी कि कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जो विशेष अनुभव रखता हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर मैं फिर उदाहरण देना चाहूँगा, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भारत के अंदर सबसे जो स्टार है, जो सबसे प्रसिद्ध है, वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, क्योंकि संसार के अंदर उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसके जितने रन और शतक अभी तक विश्व के अंदर किसी भी क्रिकेटर ने, किसी भी खिलाड़ी ने नहीं लगाए हैं। उसके नाम 100 शतक हैं, 51 शतक टेस्ट मैच में और 49 शतक वनडे के अंदर, एक दिवसीय मैच में। तो खेल के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध है, उसको पूरा संसार जानता है, वो खेल के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखता है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो लोकसभा का सदस्य होता है और जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, इसका अर्थ हो गया कि वो संसद का सदस्य होता है। संसद का सदस्य, चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का, उसको संसद का सदस्य कहते हैं। संसद के सदस्य का मतलब होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद का सदस्य। और अपने यहाँ भारत के अंदर ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो संसद का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, उसको संसद का सदस्य कहा जाता है। और जो संसद का सदस्य होता है, उसको भारत में सांसद कहा जाता है। सांसद यानी कि शॉर्ट में उसको बोलते हैं एमपी। एमपी का अर्थ होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो उसको हम सांसद कहते हैं। लोकप्रियता है ये, सब लोग उसको सांसद के नाम से ही जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो हो गई सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, इससे अधिक नहीं। और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545 है। 545 किस तरह से है, अभी हमने समझा कि भाई जो 545 हैं उनमें से 233 तो राज्यों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखे हम पढ़ रहे हैं राज्यसभा, लोकसभा नहीं पढ़ रहे हम। अगर लोकसभा पढ़ते तो यहाँ पर आता प्रत्यक्ष, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, परंतु हम यहाँ पढ़ रहे हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, एकल एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन लोकसभा का और एक क्वेश्चन राज्यसभा का। पहला क्वेश्चन जो लोकसभा वाला है वो बनेगा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। तो आप उसमें लिखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो राज्यसभा से बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है या कैसे होता है। तो आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतलब हो गया कि जिस चुनाव में जनता वोट न दे करके जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लें या वोट करें उसी को अप्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू।